हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक हो गई है, दिनांक 5/10/2020। अच्छा, बीएड सेकेंड ईयर और विषय है गणित शिक्षण के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे अपन गणित एक टीचर होने के नाते वो हर तरीके से कोशिश करता है शिक्षार्थी को अच्छे से अच्छे ढंग से समझा सके, अच्छे से अच्छे शिक्षण सहायक सामग्री का लेके जाके भी वो शिक्षण को रुचिकर आनंददायक बनाने की कोशिश करता है। शिक्षण को हर तरह से अच्छे प्रस्तुतिकरण में वो विश्वास करता है कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो, बच्चे अच्छे से अच्छे समझ पाए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। लेकिन फिर भी कई बार बच्चे उस विषय में, गणित विषय में उदासीनता बताते हैं और उस शिक्षण में रुचि पूर्ण रूप से नहीं ले पाते। ऐसा नहीं है कि हर बार शिक्षक की ही गलत होता है या शिक्षक की कमी के कारण ही शिक्षण अपूर्ण हो पाता है या अधूरा रह जाता है। कई बार शिक्षार्थी की तरफ से भी ही गलतियां होती है, शिक्षार्थी की उदासीनता के कारण भी शिक्षण पूर्ण नहीं हो पाता है, शिक्षार्थी के रुचि न लेने के कारण भी शिक्षण पूर्ण नहीं हो पाता है। शिक्षार्थी के मतलब कई व्यक्तिगत कारणों के कारण भी वो शिक्षण में रुचि नहीं ले पाता है। तो आज हम ऐसे वो सभी कारणों को पता करेंगे या ऐसे कौन से कारण है जिससे गणित विषय में वो रुचि नहीं ले पाता है, उन कारणों का आज और हमारा जो प्रकरण रहेगा वो यही रहेगा कि बालक की गणित संबंधी कमजोरी के संभावित कारण, बालक के या अपन बोल सकते हैं कि गणित संबंधी कमजोरी के संभावित कारण, मतलब कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण है गंभीर कारण, घरेलू कारण। कई बार क्या होता है कि बच्चा घर से भी परेशान होता है, घर से भी परेशान होता है, जैसे इसकी घर की आर्थिक व्यवस्था सही नहीं हो सकता है कि उनके फादर ड्रिंक करते हो और ड्रिंक करने के कारण भी वो उस शिक्षण में समय नहीं दे पा रहा हो। कई बार वो अपने फादर को लेकर भी चिंतित होता है, अपने माता पिता को भी लेकर चिंतित होता है, अपने पड़ोसियों को भी लेकर चिंतित होता है, अपने कई बार वो घर की कंडीशन को देख कर भी मतलब है कि चिंतित होता है। और चिंतित होने वाला व्यक्ति कभी भी पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाता। जैसे बालक कई बार अव्यवस्थित होता है, कलहपूर्ण वातावरण के कारण गृह कार्य नहीं कर पाता है, मानसिक चिंता होने के कारण बालक सोच नहीं पाता, तो ये भी एक रीजन है। दूसरा है गणित प्रत्ययों का स्पष्टीकरण न होना, गणित प्रत्ययों का स्पष्टीकरण न होना। शिक्षक अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश करता है कि शिक्षार्थियों को मैं सवालों को अपने गणित के हर सवालों को अच्छे तरह से समझा सकूं, सरल से सरल और अच्छे बहुत सरल विधियों से उनको मैं समझा सकूं। लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं वो चूक हो जाती है। लेकिन शिक्षार्थी उस चीज को समझ नहीं पाता। शिक्षार्थी हो सकता है कि जो विधि दूसरों बच्चों को समझ में आ रही है, सामान्य बच्चों को समझ में आ रही है, लेकिन कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको वो विधियां भी समझ में नहीं आती, तो इस कारण से भी वो रुचि नहीं ले पाता है। बालक गणित पढ़ने में इसलिए भी रुचि नहीं लेता है कि उसे प्रत्ययों का स्पष्टीकरण नहीं होता। उसको आकार, दूरी, समय, क्षेत्रफल, स्थान, तोल माप आदि स्पष्ट समझ में नहीं आने के कारण भी वो रुचि नहीं लेता है। विद्यालय में देरी से प्रवेश यानी कई बार विद्यालयों में लेट एडमिशन होने के कारण भी ये गणित शिक्षण में रुचि नहीं ले पाते हैं। इसके अतिरिक्त बालक के पिछड़ेपन के कारण भी ये भी हो सकता है कि इसके जो एडमिशन हुआ है वो लेट हुआ है, क्योंकि जो एक एज होती है, इस एज के कारण जब एक स्कूल में प्रवेश लेना होता है उस समय वो एक जुनून होता है, और लेट होने के कारण वो एक दूसरे बच्चों का एक बराबरी नहीं कर पाता है, एक मतलब उनके सामने मतलब साथ में चलने के लिए उसको श्रम से महसूस होती है। इस कारण भी वह गणित शिक्षण में रुचि नहीं ले पाता है। दूषित शिक्षण पद्धति, दूषित शिक्षण पद्धति या वातावरण बोल सकते हैं कि कक्षा का वातावरण सही नहीं हो पाता है, सही नहीं होने के कारण भी बच्चा रुचि नहीं लेता है, या शिक्षण विधिया भी सही नहीं होने के कारण भी बच्चा उसको इंटरेस्ट नहीं लेता है, रुचि नहीं लेता है। कई बार ऐसी होती है शिक्षण विधिया गणित में लगभग मैंने देखा है कि बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आती है। बच्चों को वो जो भी एक टीचर पढ़ाता है वो शिक्षण विधि हर किसी की आसान नहीं होती, इसलिए वो हमेशा गणित सब्जेक्ट से दूर भागने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत कारण होता है जैसे बीमारी या और भी बहुत सारी। कुछ बालक स्वयं के व्यक्तिगत कारण शारीरिक अस्वस्थता, मंद और तीव्र गति के विकास, भय की उत्पत्ति, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति का अभाव, भोजन आदि, नींद आदि से भी प्रतिकूल व्यवहार पड़ता है, जैसे नींद पूरी नहीं लेना, शरीर हमेशा एनी टाइम बीमार रहना या चुस्त रहना, यह भी एक अरुचि का कारण है। वातावरण संबंधी कारण मतलब पढ़ने के लिए वातावरण भी अच्छा होना जरूरी है। अगर वातावरण सही नहीं होगा तो बच्चा शिक्षार्थी कभी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, रुचि नहीं लेगा, इसलिए उसको मतलब आसपास का जो पढ़ने का है वातावरण वो भी अच्छा होना चाहिए। वातावरण अच्छा होगा तभी वो अच्छे से शिक्षण करा पाएगा। फिर विषय के प्रति अरुचि, ये भी बहुत अच्छी बात है कि विषय के प्रति अरुचि, मतलब उसका गणित के प्रति रुचि नहीं होने के कारण भी वो उस विषय में इंटरेस्ट नहीं लेता है। गणित के विषय में अगर रुचि होगी तभी उसमें रुचि लेगा, तभी उस चीज को समझ पाएगा, तभी उस चीज को सीख पाएगा। अगर रुचि नहीं होगी तो वो उस चीज को कभी भी समझ नहीं पाएगा। बालकों में कभी कभी किन्हीं कारण से गणित के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है जिससे वो गणित में कमजोर हो जाते हैं। फिर विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण विद्यालय और कक्षा का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। कई बार क्या होता है बालक अगर जिस विद्यालय में पढ़ रहा है लेकिन उसके साथ में दूसरों बच्चों के साथ में संबंध सही नहीं होते, उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसको गाली गलौज करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक कारण होता है कि वो गणित विषय में इंटरेस्ट नहीं लेता, बाकी अन्य विषय में भी इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं गिल्टी महसूस होती है और एक शर्म से महसूस करता है। प्रखर बुद्धि होना, नेक्स्ट है प्रखर बुद्धि होना।
और ठीक साले बालक होते हैं। जो अब कई बच्चों को क्या होता है कि प्रखर बुद्धि वाले को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, टीचर कोशिश ये करता है कि जो डल बच्चे होते हैं, कमजोर बच्चे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण कराया जाए। वो उसका जो इंटेंशन होता है वो होशियार बच्चों को लेकर नहीं बल्कि कमजोर बच्चों को लेकर पढ़ाया जाता है। तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उनको तो नया सीखने को होता है, नई चीज सीखने को होती है। जो सीखी हुई चीज है उसको क्या सीखना है, ये बालक के मन दिमाग में हमेशा चलता रहता है। प्रखर बुद्धि वाले बालक कभी भी कक्षा में समस्या बन जाते हैं, उनका मस्तिष्क सदैव कार्य करने में लगा रहता है, अतः ऐसे बालकों को पर्याप्त मात्रा में कार्य न मिलने से वह अध्यापक की समस्या बन जाती है। फिर मूलभूत क्रियाओं में कमजोर होना, दसवां है मूलभूत क्रियाओं में कमजोर होना। बहुत सी समस्या रह जाती है, यदि बालक गणित की मूलभूत क्रियाओं को समझ नहीं पाया तब भी वो गणित के आगे कार्य में पिछड़ जाता है, यानी मूलभूत कार्य अगर नहीं मिल पाते हैं तब भी वो उस कार्य में पिछड़ जाता है। पर अन्य भी कारण है, जैसे अन्य कारण कौन से, जैसे अध्यापक की कमी, अध्यापक अगर एक विद्यालय में अगर गणित विषय का अध्यापक ही नहीं है तो जाहिर बच्चे उस विषय में कमजोर होंगे, और अगर अलग से कोई बच्चा अगर पढ़ाता है उस विषय को तो शायद उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं दे पाएगा। स्थानांतरण की समस्या, शिक्षक का विवाद, स्थानांतरण जैसे बच्चे इधर से उधर चले जाते हैं या एक शहर से दूसरे चले शहर में जाते हैं तभी वो प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का व्यवहार भी इसमें प्रभाव डालता है, अगर उसका अगर निर्दयता या क्रूर स्वभाव का है तो बच्चे उनसे कभी भी सवाल नहीं पूछेंगे। समुचित संगति का न होना, यानी उचित ढंग से अगर संगति नहीं है, बच्चों की जो फ्रेंडशिप होती है अगर वो बुरे लोगों के साथ में रहता है तो कभी भी विषय में इंटरेस्ट नहीं देखेगा, मस्ती करेगा, भीख मांगना, चोरी करना आदि कारण एक हर विषय के प्रति अरुचिका का मतलब की पैदा करते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगले विषय में हम अपना पॉइंट पढ़ेंगे और धन्यवाद।